आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस के सेट 9 को देखेंगे, जिसमें टॉप 20 प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने सेट 8 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं सेट 9 के ऊपर, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है आपका, एक्सरे का शोधक था, मतलब कि एक्सरे की खोज किसने किया था। तो आप सभी को मैं बता दूं कि एक्सरे की खोज जो है रोंटजन ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोंटजन। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी है, याद रखेंगे एक्सरे की खोज रोंटजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, किस अयस्क में लोहे धातु की अधिकतम मात्रा होती है। किस अयस्क में लोहे धातु की जो है अधिकतम मात्रा होती है। तो देखिए, हेमेटाइट जो अयस्क है उसमें जो है लोहे की मात्रा जो होती है अधिकतम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आँखों के चश्मे की लेंस का पावर किस मात्रक से मापी जाती है। तो आँखों के चश्मे की लेंस की जो पावर होती है वह निम्नलिखित में से जो है डायोप्टर मात्रक से जो है मापी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग कलर प्रिंटिंग करवाते हैं, तो जैसे प्रिंटर में 3-4 कलर होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक कलर की अलग टैंक होती है, आपने देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो फोटोग्राफी का जो मुख्य कलर होते हैं, जो 3 होते हैं, वो होता है आपका लाल, नीला, हरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है या नीला होता है। तो आकाश जो है निम्नलिखित में से जो है परिकर्णन की वजह से जो है आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है। तो इसमें से आप आंसर देखिए आपका कौन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तैरेधरंग का परिकीर्णन की वजह से जो है आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य की नेत्र होता है रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। मनुष्य के नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो नेत्र मतलब नेत्र के अंदर एक रेटिना होता है जिस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, कोई भी वस्तु का चित्र बनता है, तो वह कैसा बनता है। तो वह जो है आपका जो है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग करते हैं वोल्टेज चेंज करने के लिए। आप देखते हैं कि जब रियल पावर भेजा जाता है तो तरह तरह जगह पर जो है गांव में या शहर में जो है ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ताकि जो वोल्ट है उसे कन्वर्ट करके जो गृह यूज में जो है जितना वोल्ट की ज़रूरत होती है उतना ही वोल्ट उन्हें दिया जाए। 11,000 का वोल्ट आता है, लेकिन कन्वर्ट करके जो नॉर्मल वोल्ट जो होम में यूज किया जाता है उतना उसको दिया जाता है। तो यह काम जो है एक ट्रांसफार्मर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वोल्टेज चेंज करने में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है। जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, बड़ा बड़ा सा जो इन्वर्टर का, उसमें इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है। तो उसमें इस्तेमाल होने वाला जो अम्ल है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखेंगे, बैटरी में जो अम्ल पाया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल क्या है। तो नींबू और संतरे जो कि खट्टा होते हैं, ये दोनों में जो है साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, जल में वाशिंग सोडा का घोल जो है वह क्षारीय कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है। मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न पढ़ने से पहले कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप रट कर लीजिएगा, ये बहुत जगह जो है एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एक लड़की झूले पर जो है बैठकर झूल रही है, यदि एक लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा।
जैसे मान लें कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है, यदि लड़की मतलब एक बाइक कहने का अर्थ है कि एकाएक, जो हम लोग भोजपुरी में एक बाइक बोलते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकाएक खड़ी हो जाती है उसे झूले पर, तो उसका दोलन काल क्या होगा, तो उसका दोलन काल जो होगा कम हो जाता है, मतलब कि उसका स्पीड कम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम किस राशि की परिभाषा मिलती है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम से जो है, निम्नलिखित में से जो है आपका फोर्स मतलब बल का जो है परिभाषा मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम जो है तरंग धैर्य को जो है मापता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तैयार धरेंग को जो मापने की जो मतलब इकाई है वह क्या है? एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, एक लड़का का भार जो है पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तथा इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? मतलब कि वह लड़का का भार जो है पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो ये लड़का अगर चंद्रमा पर जाता है तो इसका भार क्या हो जाता है? तो चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका भार जो होता है 1/6 हो जाता है। 1/6 मतलब कहने का ऊपर 600 और यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा, तो जब हम इसे काटेंगे, वन बाई सिक्स होता है, तो मतलब कि यहाँ पर 600 है और यहाँ पर नीचे 6 हो जाएगा, तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन आ जाएगा। मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार जो होता है 1/6 हो जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम लोग छोटा जी कहते हैं, उसका मान होता है, तो छोटा जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसका गलनांक जो होता है 0 डिग्री से क्या हो जाता है? देखिए, जब भी आप आइसक्रीम वाले को देखेंगे, जो बॉक्स आइसक्रीम हो लेते हैं, वह बर्फ़ के साथ क्या करते हैं कि आपने आइसक्रीम खाया होगा तो कभी नमकीन लगता है, क्यों लगता है मालूम है? वह बर्फ़ में जो होते हैं नमक मिला देते हैं, ताकि जो बर्फ़ होता है वह कम होता है, मतलब उसका जो गलनांक होता है, जो बर्फ़ गलने की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा कि बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसका गलनांक जो होता है कम हो जाता है, जल्दी नहीं गलता है, याद रखिएगा ये प्रश्न। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है कौन सी गैस? तो गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से पाई जाने वाली जो गैस है वो आपके मीथेन है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका डी है। और जो फ्यूचर फ्यूल हम लोग बोलते हैं, जो भविष्य ईंधन बोलते हैं, उसे हम लोग हाइड्रोजन गैस को बोलते हैं। भविष्य ईंधन अगर पूछता है तो हाइड्रोजन गैस, और गोबर गैस में पाई जाने वाले मीथेन को हम लोग बोलते हैं, गैस ज़्यादा पाई जाती है, मतलब मुख्य रूप से पाई जाती है। अगले प्रश्न को तो चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, वाइन मतलब शराब में उपस्थित रहता है, शराब में कौन सा अल्कोहल उपस्थित होता है? तो शराब में जो होता है आपका एथिल अल्कोहल, शराब में जो होता है आपका एथिल अल्कोहल जो होता है मतलब प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोना को जो है हम लोग रासायनिक प्रतीक में क्या लिखते हैं? तो AU लिखते हैं, AU, और Ag सिल्वर का होता है, Ag सिल्वर का, Mg मैग्नीशियम, Pt लीड का होता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, और ये प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है इस सेट का, देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या जो है 7 है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन आपका बी हो गया। तो मैंने इस वीडियो में जो है साइंस के सेट 9 को पूरी तरह से कंप्लीट किया, जो कि टॉप 20 प्रश्न को लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।